गॉड ऑफ थंडर के पास वर्तमान में 4 एमसीयू एकल फिल्मों हैं। संभावित थोर 5 के लिए प्रत्याशा अधिक है। क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को 2011 के थॉर में वापस पेश किया गया था और 2022 के थॉर लव एंड थंडर के साथ वह पहले हीरो बन गए थे। 4 सफल फिल्मों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एमसीयू टाइमलाइन, हालांकि ऐसा लगता है जैसे एमसीयू में गॉड ऑफ थंडर का समय समाप्त हो रहा है। हालांकि यह एमसीयू के वर्तमान चरण 5 या 6 स्लेट का हिस्सा नहीं है। थोर 5 पर कोई भी समाचार इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि अर्सगडियन आखिरकार अपनी कहानी कैसे समाप्त करेगा। हाल के साक्षात्कारों में हेम्सवर्थ ने, यानी कि वैनिटी फेयर के माध्यम से, व्यक्त किया है कि वह चाहेंगे कि एमसीयू में थॉर की अगली उपस्थिति उनकी आखिरी उपस्थिति हो। हेम्सवर्थ का हृदय परिवर्तन थॉर लव एंड थंडर के मिश्रित स्वागत के कारण हो सकता है, लेकिन एक दशक से अधिक समय के बाद यह समझ में आता है कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि थोर 5 हो जहां थोर की कहानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भविष्य की एवेंजर्स फिल्म थंडर के देवता का अंत हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासकों से वादा किया गया था कि थॉर वापस आएगा और यह अब तक थॉर 5 से जुड़ी सभी खबरें हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।